हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बेस दिख रहा है, तो इस बेस बोर्ड में क्या जब टीवी चल रहा है उस टाइम फायरिंग होता है। टीवी चलते चलते कभी कभी बेस में फड़फड़ आवाज़ होता है और थोड़ा बहुत फायरिंग भी होता है, जो यानी एसटी से जो तार वायर आता है बेस बोर्ड के फोकस में, वहाँ पे उसी पे डैम वगैरह हो जाता है। इसलिए क्या स्पार्क होता है, इसलिए स्पार्क होने के लिए क्या हो रहा है, इस बे यानी पिक्चर में इफेक्ट पड़ेगा, और एक पिक्चर में इफेक्ट पड़ेगा प्लस आपका पिक्चर ट्यूब भी ख़राब हो सकता है। ओके, तो इस कंडीशन में इसको चेंज करूँगा। तो देखिए, चेंज करना बहुत आसान है। आप लोग जो पुराने मैकेनिक हो, वो लोगों तो पता ही है बेस को कैसे खोलें कैसे लगाएं, लेकिन जो नए मैकेनिक हैं उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, उसके लिए बहुत कुछ जानकारी मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, ऐसे आपको डिसोल्डर ले लेना है, डिसोल्डर वेल लेना है, और आपका जो सोल्डर आयरन है उस आयरन की मदद से थोड़ा पेस्ट यूज करना पड़ेगा, और पेस्ट यूज करके बार बार आपको पेस्ट में टच करना पड़ेगा डिसोल्डर वायर को, और आपको आयरन से एक एक पिन इसका ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, बेस जो है वो बेस बोर्ड में लगा हुआ है, और इस पे टोटल जो पिन है वो पिन है 7 पिन, यानी 7 पिन। तो इस 7 पिन को एक एक करके ओपन कर लेना है। तो देखिए, मैं ओपन कर रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिएगा डिसोल्डर से कैसे आप ओपन कर रहा हूँ। वैसे हर एक कोई कोई तो टूथब्रश से भी करता है, लेकिन आपका जो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ बहुत इजी है, और फर्स्ट टाइम आपको दिक्कत होगा थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बन जाएगा। तो शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो डिसोल्डर वायर से ही कीजिए। तो देखिए, आप लोग देख ही पा रहे हो कितना आसानी से ये ओपन हो रहा है, यानी बेस का पिन। अब एक एक बेस का पिन को ओपन कर लूँगा, और आप लोगों को मैं बाद में दिखा रहा हूँ कि स्पार्क का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, स्पार्क दो कारण से होता है, वो है एक तो आपका एसटी अगर हाई होता है, ठीक है, जो फोकस का वायर होता है ना, उस वायर से अगर हाई वोल्टेज निकलता है उस कंडीशन में बेस में फायरिंग होगा ही, चाहे बेस क्यों आप कितने भी बेस बदल लो फिर भी फायरिंग होगा। तो यहाँ पे जो देखिए, बेस का और एसटी का कनेक्शन है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस बोर्ड तो डैम डूम होता है बेस बोर्ड, वो तो बात अलग है, लेकिन बेस बोर्ड में जो बेस है छोटा सा और एसटी, ये दोनों में कनेक्शन है। तो अब इस दोनों में जो कनेक्शन है अगर खराबी हो रहा है बेस में फायरिंग वगैरह हो रहा है, तो आप तो फटक से एसटी को चेंज नहीं कीजिएगा, क्योंकि एसटी बड़ा चीज़ है, उससे आपको पहले छोटा चीज़ चेंज करना पड़ेगा, जो आसानी से चेंज हो जाता है, उसका दाम भी बहुत कम है। तो वो हो गया बेस। तो फर्स्ट टाइम आपको बेस एक बार चेक कर लेना चाहिए बदल के। तो देखो, मैं बेस ही बदल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि न्यू बेस लगा कर भी आपका फायरिंग हो रहा है, पिक्चर में तकलीफ यानी फॉल्ट दिख रहा है, तब आपको एसटी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन पहले नहीं, पहले आपको बेस ही चेंज करने लेना चाहिए। तो बेस जो है वो खोल गया, यहाँ पे बस एक ग्राउंड का जो पिन होता है उस पिन ही टच किया हुआ है, इसको मैं खोल लेता हूँ, फिर बेस जो है हमारा वो प्रॉपरली ओपन हो चुका है। ओके, तो बेस का पिन बेस ओपन हो चुका है बेस बोर्ड से। अब यहाँ पे जो ये वायर देख रहे हो ना, यहाँ पे कनेक्शन है, इसको एसटी से टोटल 3 वायर आता है, एक तो पिक्चर ट्यूब में जाता है हाई वोल्टेज, और एक रहा बेस में जो अभी मैं खोला, इसको बोलते हैं फोकस का वायर, और एक वायर देख रहे हो जो पीएफ के पास है, वो स्क्रीन का है।
ओके। तो और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी बेस लगाने टाइम आपका बेस के नीचे एरिया जो होता है उसको बहुत अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूँ टूथब्रश से, और क्लीन ऑयल यानी थीनर है मेरे पास, और थीनर से मैं साफ कर रहा हूँ, और साफ करके पूरा अच्छे से सुखाऊँगा, उसके बाद ही नया बेस लगाना पड़ेगा। और कभी भी आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, बेस लगा हुआ है उस टाइम बेस बोर्ड को आप वॉश कर रहे हो थिनर से, ये गलती कभी भी मत करना। अब देखो मैं यहाँ पे लगा दिया, दोस्तों मैं बंगाल से हूँ और मेरी अगर लैंग्वेज में यानी बोलने की भाषा में अगर कुछ गलती हो जाए तो सॉरी, माफ़ करना, इतना आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका एक एक पिन को मैं सोल्डर कर दूंगा। ओके ओके, तो यहाँ पे एक एक पिन को इसका सोल्डर कर दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ज़्यादा नहीं लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोगों को प्रॉपरली ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा यहाँ से बेस लगाने कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे इसका जो टोटल्स कितना पिन बोला मैं, छोटा बेस का होता है 7 पिन, अगर बड़ा बेस होता है उसका होता है 9 पिन। अब छोड़ो 9 पिन हो भी जाता है ना, तो उसका 9 पिन का कोई, 2 पिन का नहीं, 2 साइड का कोई पिन का वैल्यू नहीं होता है, वो आपको सोल्डर करो या ना करो कोई बात नहीं है। लेकिन छोटा बेस का जो 7 पिन ही होता है, और 7 पिन को ही आपको झाल यानी शोल्डर करना पड़ेगा। ओके, तो देखो अभी एक पिन बाकी है, वो है ग्राउंड का बेस में। ओके, अब देखो ऐसे कैप खोल लिया, बेस का जो कैप है उसको मैं खोला, ठीक है। अब उस पे जो एक पिन रहेगा, आप लोगों को उस पिन में एसटी का जो ए थोड़ा सा मोटा वायर है यानी फोकस का, इसको आप लोगों को सोल्डर कर देना है। देखिए ये भी मैं दिखा दिया आप लोगों को कैसे खोले और कैसे सोल्डर कर रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे सोल्डर कर दिया। आप सोल्डर करने के बाद क्या करना पड़ेगा जानते हो? आप सोल्डर करने के बाद इस कैप को बस ऐसे ही लगा देना है जैसे मैं खोला था। ओके, तो दोस्तों बस ऐसे ही आप लोग काम कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, जय हिंद दोस्तों।